गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए भाई दिल्ली का मौसम, हम सोच रहे हैं ठंड जाने वाली है और ये देखिए बिल्कुल फॉग हो रही है पीछे। बस मैं सुबह नीचे आई हूँ किसी काम से, तो मैंने सोचा एकदम वेदर को देख के कि क्यों ना शेयर किया जाए। सभी कहते हैं दिल्ली की सर्दी सी, तो बस अब मैं रेडी हो के कॉलेज नहीं निकल रही थी, तभी भी बहुत फॉग था क्योंकि आज मैं जल्दी गई थी। तो बस इसके बाद जब मैं घर आई तो आयुष ने बोला कि मम्मी होम टूर बनाते हैं, तो तभी मैंने इंस्टेंट ही होम टूर बनाया है और बस ड्रेस चेंज करी और बनाया है। तभी मेरी पता नहीं क्यों आवाज़ भी बहुत उसमें सांस फूली हुई आ रही है, अवॉइड कीजिएगा, मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ही वीडियो बना रही हूँ ऑन रिक्वेस्ट ऑफ आयुष। आज हम कर रहे हैं शेयर आपके साथ हमारा होम टूर, एंजॉय। ये क्या है, ये कौन सा रूम है? ये बेडरूम, पापा सोते हैं। वो अच्छा, वो फोटो दिखा दो। ये देखो, ये नाइशा टकली जानी है। और ये सारे आयुष के फोटो है। हाँ। वो भी आयु है। आयु क्या? एक और फोटो। और ये मम्मा की फोटो है, ये आयुष की फोटो है, और ये ये मम्मी का टाइम टेबल कॉलेज का। ये हमारा बेडरूम है, मेरा बनी हुई है, ये कंबाइन बाथरूम है, और ये देखिए व्यू पीछे क्लियर आएगा नहीं आज मौसम ऐसे है। पीछे पूरा खाली प्लॉट पड़ा है, खाली रोड है, ठीक है। ये यहाँ से व्यू देखिए रूम का, ये एक और अलमीरा है स्लाइडिंग, और ये मशीन ये मम्मी इस पर फोटो खींचती है ना? नहीं, शूटिंग शूटिंग करते हैं। और वो क्या है, दो डंबल्स कौन करता है? आप होती हो। डंबल्स हैं ये, मैं करती हूँ, और ये हमारी ड्रेसिंग टेबल, ये मेरी शादी की है, 13 साल हो गए इसको ना, शादी पे जो ली थी वही ड्रेसिंग टेबल है। मम्मी ने ना एक्सरसाइज क्यों करी थी, फिर करी थी ऐसे ही रखे सजा के। हाँ, ये कंगी रख दो, बंद कर दो, अब इसको बंद करो, ठीक है। तो ये एक बेडरूम है, हट जाओ। ये हमारा एक मेन बेडरूम आप देख सकते हैं, हाँ मास्टर बेडरूम है। अच्छा, ये एलिफेंट है, ये कॉर्नर है, इसको कैसे दिखाऊं, इधर से दिखाती हूँ, नहीं शुरू। ये कॉर्नर है, वैसे ड्रेसिंग टेबल है बट वो भी एक थोड़ा सा लुक के लिए लगा रखा है, ठीक है। ये है हमारा ड्राइंग रूम, मेन ड्राइंग रूम, आप यहाँ से देख सकते हो। सामने वो किचन है, और वो एक और बेडरूम है, और बेडरूम से बालकनी। ये देखो, ये नाइशा का है, और नाइशा लगता था लेकिन अब नहीं चलते। यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड है। हाँ, ये जिसके अंदर हटो नहीं, आयुष हटने एक बार। ये है जिसके अंदर हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, बेसिकली वॉशरूम के लिए तो हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे मेरी मशीन भी मैंने रखी हुई है। आ जाओ, बंद करो। और ये यहाँ से लुक देखिए, ये है मेरा ड्राइंग रूम, वो था मेन एंट्रेंस, एंट्रेंस के सामने ही ड्राइंग रूम है, और वो बीच में ऐसे ही शोकेस बना हुआ है, वहाँ मंदिर लगा रखा है हमने ऊपर। ये आयुष और नाइशा के टॉयज, ये कौन है? ये पापा के पापा, ये पापा के पापा, ये हस्बैंड के फादर हैं, मेरे ससुर जी जो कि अभी नहीं है, आयुष हुआ था उसके बाद ही वो एक्सपायर हुए थे, जब आयुष छोटा था तभी एक्सपायर हुए थे। ये मेरे पापा हैं, ये भी कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हुए। ये आगे हो आयुष को बोलते थे, इसके दादा, मेरे दादा ससुर है, ये मेरे दादा ससुर है, बहुत अच्छे थे नेचर वाइज। ये मम्मी और पापा है, उनकी फोटो भी हमारे काम। ये मेरी सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर, और ये मैं,
उनकी शादी की पिक है। ये नाइशा की क्या है ये नाइशु? ये मम्मी पिक। ये मम्मी पिक। और ये क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट। और देखो नीचे भी टॉयज भरे हुए सारे। ये प्लांट रखा हुआ है यहाँ पे। ये नाइशा के पिक्स हैं सारे, जब नाइशा छोटी थी। ये जो हमारा एलिफेंट, ये हमारा, ये मेरा एलिफेंट कैलेंडर फेब का, क्योंकि ये एनिवर्सरी मंथ होता है तो हमारी पिक भी लगी हुई है साथ में। ये हमारा मंदिर है छोटा सा, ये मंदिर है। ये हम फर्स्ट टाइम शिमला गए थे, मसूरी गए थे सॉरी, वहाँ का है। ये सारा शोकेस, और वहाँ भी प्लांट्स, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है पेड़ों का ना, तो ऊपर देखोगे वहाँ भी पेड़ लगे हुए। और देखिए ड्राइंग रूम से भी साइड में पूरा खाली है, यानी थ्री साइड वेंटिलेशन है घर में। इधर से भी आपको मिलेगा, पीछे भी और आगे बालकनी से भी। ये है किचन। हटो 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 हटो, हटो। ये किचन है, ये फ्रिज, ठीक है। ये किचन है, किचन आप बहुत देखते हो मेरे वीडियो में। ये एयर फ्रायर रखा हुआ है, ये कुछ एसेंशियल्स जो डेली चाहिए होते हैं, सॉस और एलोवेरा सॉस, तेल वेल थोड़ा बहुत। ये गर्म पानी के लिए, ये गैस आप देखते ही हो, वो जो मैं बात कर रही थी स्टैंड। ये स्टैंड जिसपे मैं कप्स रखती हूँ, यहाँ पे पेपर टॉवल, यहाँ पे मग्स। अलमीराज का अंदर अभी मैं दिखाऊंगी, ऊपर भी है ना, सामने आरो, बर्तन स्टैंड, नीचे भी अलमीराज है, मॉडर्न है। और देखिए किचन से भी प्रॉपर वेंटिलेशन। तो ये है किचन, आप देखो किचन थोड़ा छोटा पर हमारे लिए ठीक है। अदरवाइज मेरे पास तंदूर भी है, काफी चीजें हैं, लेकिन किचन में आ नहीं सकती तो मैंने वो बाहर अलमीराज में रखी हुई है। अलमीराज का कभी और दूंगी, है ना, कैबिनेट्स का मैं आपको कभी और दूंगी, ठीक है। तो ये है ड्राइंग मेन रूम। इसमें वो जो ऊपर आपको शशि लिखा दिख रहा है ना, वो शशि करके एक जो ऊपर कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है और बहुत हार्ट टचिंग कार्ड है, उसको मैं दिखाऊंगी आपको। वो मेरे स्टूडेंट्स ने दिया था संत हरिदास कॉलेज में, जब हमारा, जब उनका फेयरवेल था, तो एज अ फेयरवेल गिफ्ट उन्होंने टीचर्स को दिया था। बहुत ही अच्छा है वो, मैं आपको उसको खोल के दिखाऊंगी अभी एक बार होम टूर करने के बाद, ठीक है। ये नॉर्मल फोटोज एंड ऑल लगे हुए हैं ऐसे ही शोकेस। ये सारी मेरी क्रॉकरीज कांच वाली। तब जब हमारे घर आया था मेरा हाथी पुराने घर में, मैंने उसको पता है क्या टॉर्चर करा था, लिफ्ट में लेके गया, पानी डाला इस पे, इतना करा था मैंने। चलो ये है हमारा बच्चों का बेडरूम, ये है किड्स बेडरूम, वो बच्चों की ही अलमीरा है। ऊपर पूरा टॉयज भरे हुए हैं, नीचे इनके कपड़े बच्चों के ही खाली। यहाँ टीवी भी हमने यहीं लगा रखी है। ये है, इधर से दिखाती हूँ, ये इनका बेडरूम। ये आयुष और नाइशा की राखी की तकियां रखी हुई हैं, वो नाइशा की, वो आयुष की। कुंजल है इसकी सिस्टर, अब ये देखो इसका बर्थडे आने वाला है। ये है कुंजल, हमारी कुक्कू बेटी, मेरी भाई की बेटी। ये उसकी, अब ये चार साल को, ये चार तारीख को ये एक साल की हो जाएगी। इसके बर्थडे सेलिब्रेशन भी आपको दिखाएंगे। ये देखो आयुष उसको गोदी में लेके बैठा हुआ है। ये कुहू ने इनको गिफ्ट दिया था राखी पे। ये हाँ ठीक है बेटा। ये अलमीरा, इधर इधर ये हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं अलमीरा में। ऊपर सारा वुडन, ऊपर सारा वुडन है, वो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिया था, इंदु और लवली ने। ये आयुष का फर्स्ट बर्थडे पिक। ये नाइशा का ड्रेसिंग टेबल, मेकअप उसका, वो हाथी पे, देखो हाथी पे बैठी है। ये है टीवी, टीवी कैबिनेट ऑलरेडी लगा हुआ, ये सब लगा आया था हमने, कुछ नहीं, हमने अलमीरा से कुछ वुडन वर्क एक्स्ट्रा करवाया है। ये खुद का घर है गाइस। हाँ। यहाँ से खिड़की है और ये देखिए बालकनी। ये है बालकनी, यहाँ पे ये सब हस्बैंड को शौक है पेड़ वेड़, मुझे इतना नहीं है। हाँ भी दिखाएंगे, ये देखिए मैं बोल रही हूँ वेंटिलेशन पूरी तरफ से है, इधर से भी देखो ये पूरा है बालकनी। ये हमारे नीचे, ये मेन गेट खुला रहता है कई बार, ये मेन साइड है, जो सुबह का था सीन वो यहाँ का था। ये इधर देखिए सोसाइटी पार्क भी है सामने ही, खेलना हो तो बच्चों को उधर।
और ये है यहाँ से भी हमारे गेट है नीचे के, जो सुबह वीडियो था वो यहीं का था, सुबह या कल के वीडियो में जहाँ भी मैं ऐड करूंगी। ये साइड से पूरा ओपन है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये है हमारी बालकनी, बंद कर आयुष, चलो 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 चलो। ये देखो आयुषा के टॉय भरे हुए पूरे डोर में बेबी। चलो बाय कर दो फिर, इसीलिए गाइस को क्या करना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब और घंटी को दबाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। देखिए ये शोकेस में सारे जो भी आइटम्स हैं वो यूजली मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिए थे संत रविदास में। आप देख सकते हो कि सबके टॉयज सबके गिफ्ट्स में संभाल के रखे हुए हैं। और ये वो कार है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, मैं इसको भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कार बच्चों ने हैंडमेड बना के दिया था, दिस वाज वेरी नाइस। यानी यूजली लोग परचेस करके या कुछ देते हैं, बट ये हैंडमेड है। और ये देखो आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये जिस बच्चे ने ड्रॉइंग की थी उसका आज के वो ऑनलाइन भी गिफ्ट मटेरियल्स आजकल बेचती है, एस ब्लिंकिंग के नाम से उसका फेसबुक पे पेज भी है, अगर आप चेक करना चाहें। बहुत अच्छे अच्छे वहां पे हैंडमेड गिफ्ट्स वो कस्टमाइज करके बनाती है। तो ये मेरे संत रविदास के ईटी के बच्चे जो थे, जेबीटी वाले बच्चे, उन्होंने दिया था मुझे। और बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना वो देखो आप, बहुत अच्छा लिखा था, आंसू पोंछ कर हंसना सिखाया है हमें, हमारी गलती पर भी सीने से लगाया है हमें, कैसे याद न आए आप जैसे टीचर जिनकी ब्लेसिंग्स ने जीना सिखाया है हमें, इनकी स्माइल पर हम सब कुर्बान हैं, सभी विद्यार्थियों को उन पर मान है, जिनका करते हम सब सम्मान है, आप हमारे साथ हैं इसका हमें गुमान है, अब तो पहचाने इन्हें यह तो महफिल की शान है। मिस यू अ लॉट मैम, आई टू मिस यू ऑल, अभी तक ये बैच वॉज माई फेवरेट बैच, संत हरिदास की मेमोरीज को मैं कभी नहीं भूल सकती, तभी देखो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ इस कार्ड को। और ये एक पिक है, ये जब मैं वसुंधरा महाविद्यालय जयपुर में पढ़ाती थी, मैं वहां से पढ़ी हूँ, मैंने वहां से एमएड की थी, एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग माई एमएड मैं टॉप किया था एमएड में, वहां पे आई वॉज द फर्स्ट टॉपर, फर्स्ट रैंकर इन दिस, एंड इट वॉज द फर्स्ट बैच, एमएड का फर्स्ट बैच था उस टाइम पे। जयपुर वसुंधरा महाविद्यालय है अचरूल, जयपुर हाईवे रोड पे, जयपुर दिल्ली हाईवे रोड जो है, तो वहां पे मैं स्टूडेंट रही। और एमएड करते ही 2007 में आई वॉज प्लेस देयर ओनली, वहीं मैं पढ़ाने लग गई थी। तो आप देखोगे ये वहां पे डायरेक्टर सर हैं एनसी यादव जी, और ये गोलमा देवी आई थी उस टाइम पे हमारे कॉलेज में, तो ये हैं गोलमा देवी मैम, उनसे मैं मिली थी फर्स्ट टाइम कॉलेज में वो आए थे, और उन्होंने मुझे प्राइज दिया था क्योंकि मैंने टॉप किया था एमएड में, तो उसी का प्राइज मुझे गोलमा देवी मैम के हाथों से मिला था, एंड आई वॉज ऑनर्ड टू मीट हर। बहुत अच्छी लेडी है मैम। तो बस अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी को और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऐसे दबा के नंबर को कर दीजिए, सारे के सारे सब्सक्राइब कर देना। देख लो नायशा की बात माननी पड़ेगी सबको। ये है छोटा डॉन। तो चलिए आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एस ब्लिंकिंग का मैंने आप लोग को बताया, फेसबुक पे पेज है, आप देख सकते हैं। ऐसे और ही आपको मेरा ट्रस अच्छा लगा होगा तो आपको ऐसे ही बोलना, ठीक है। और जैसे मेरे कई बच्चे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एक और मेरी स्टूडेंट है उसका भी इंस्टा पे पेज है गेटवे ऑफ चॉकलेट्स, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। वो चॉकलेट सेल करती है, कस्टमाइज चॉकलेट्स बनाती है, हैंडमेड चॉकलेट्स हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इंस्टा पे है गेटवे ऑफ चॉकलेट्स के नाम से। तो बस गॉड ब्लेस यू ऑल, ऐसे ही तरक्की करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, मिलते हैं कल।